हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी ड्रीम एनिमल टीम बनाते हैं और थक चुके हैं बनाते बनाते और अभी तक नहीं जीता है, एक दो आपको ऐसा बताऊंगा ट्रिक जो कि आपको अपनाते हुए धीरे धीरे आपको विनिंग कर सकते हैं। तुरंत नहीं होगा लेकिन आपको कुछ समय बाद आपको विनिंग कर लिंग जीत सकते हो। ठीक है, मुश्किल है पर मुमकिन है। ठीक है, मुश्किल है पर मुमकिन है। आपको जो ट्रिक बताऊंगा उसको अप्लाई जरूर ही करना है आपको। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। जैसे हम आपको पिछला मैच के आधार पर आपको बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या गलती करते हैं और आपको इसमें क्या गलती नहीं करना है। इसे पिछला मैच श्रीलंका और इंडिया के बीच हुआ था और जो आगे भी आने वाला मैच है, बहुत सारा होने वाला IPL होता है, बहुत सारा मैच होता है। ठीक है, तो उसमें आपको उसी प्रकार से गलती नहीं करना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर आपको ये पिछला मैच लेके चलते हैं। ठीक है, तो पिछला मैच आपको बताता हूँ जो रियान पराग का जो सिलेक्शन रेशियो था बहुत ही कम था, 6 point कुछ करके था, बहुत ही कम रेशियो था सरकार। और उन्होंने इतना बढ़िया परफॉर्म किया है, यहाँ पर आप देखिए बहुत ही अच्छा उन्होंने, अगर बैटिंग से उन्होंने नहीं दिया लेकिन बॉलिंग से उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, तो उसी प्रकार से बहुत सारा है और यहाँ से सूर्य कुमार यादव हुए, जयसवाल हो गए और निशांका, उन्होंने काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया था। और आपको क्या गलती नहीं करना है आपको बताता हूँ इस मैच में। ठीक है, और आगे आने वाले मैच के लिए भी है। ठीक है, ऐसे आप अगर टीम बनाते हैं, ठीक है, तो अगर आप टीम बनाते हैं तो उनका सिलेक्शन रेशियो आपको देखना बहुत ही जरूरी होता है, तभी आप ग्रेलिंग जीत पाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग बंदे इसमें होते हैं खेलने वाले, एक से नहीं होते, बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, जैसे में आप विकेट कीपर आप देखें तो विकेट कीपर में आपको यहाँ से आपको क्या क्या गलती नहीं करना है, आपको क्या क्या गलती होती है, जिनका परसेंटेज सिलेक्शन ज़्यादा उनको आप लेके चलते हैं। ठीक है, आप उनको ले चलिए, लेकिन आपका एक दो प्लेयर ऐसा होना चाहिए जिनका सिलेक्शन उससे बहुत ही कम होना चाहिए, तभी तो आप उस भीड़ से आगे निकलिएगा। जिनका सिलेक्शन रेशियो कम रहेगा, जिसका सिलेक्शन रेशियो 6.5 रहेगा, 5 रहेगा, तो अगर आप उनको चुने हुए रहिएगा और आपका किसी दिन वो परफॉर्म कर देते हैं तो आप भीड़ से आगे निकल जाइएगा। ठीक है, तो आपको एक दो प्लेयर आपको लेके चलना होगा, तो हर एक टीम में चाहे आप जीते या नहीं जीते, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप उसमें जीत जाइएगा। ठीक है, एक दिन ऐसा आएगा कि आप जुट जीत जाइएगा। जैसे मैं पिछला मैच ही देखिए, रियान पराग का इतना कम रेशियो था और उन्होंने अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो जो भी उनको कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाए हुए रहेगा उनको विन कर जाएंगे, या वो अपनी टीम में शामिल रखे हुए होंगे तो वो अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे, उनका टीम बढ़िया कर जाएगा और उनको जीत जाएंगे ग्रैंड लीग या जो भी था। तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको एक दो प्लेयर आपको लेना होगा। ठीक है, जिनका रेशियो सेशन ज़्यादा उनको लीजिए, बट एक दो प्लेयर आपको लेना होगा तभी आप जीत पाइएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ ये टीम पिछला मैच करके, जैसे मैं आज टीम बताता हूँ आपको किस प्रकार से चूज करना होता है, आपको क्या गलती नहीं करना है, आपको एक टीम बता दिया हूँ। जैसे मैं आपको विकेट कीपर हो गया, ऋषभ पंत हो गया, आपको जो भी चलना है यहाँ पर आपको इनको परफॉर्मेंस देख लेना है। ठीक है, कितना परफॉर्मेंस इनका चल रहा है, देखिए इन्होंने 78 point दिया था और ऋषभ पंत का देखिए इन्होंने अच्छा काफ़ी अच्छा पॉइंट दिया, 73 point दिया है। यानी विकेट कीपर से नहीं और बैटिंग से भी दे सकते हैं, विकेट कीपिंग से भी कुछ पॉइंट दे देते हैं, तो आपको मान के चलिए इनको दो को आपको ले के चलना होता है। ठीक है, ठीक है, वही मैच में आपको इनको ज़्यादातर इनको ले के चलना होता है, तभी आप इसमें जीत पाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आप किसी का विनिंग देखिए, जो भी ग्रेलिंग जीतते हैं तो उनका देखिएगा तो ये दोनों रहता ही रहता है। ठीक है, बहुत कम होता है कि दोनों नहीं कर पाता, लेकिन बहुत सारे देखिएगा रहेगा, आपको उसी हिसाब से आपको ले के चलना पड़ेगा। और बैट्समैन में आते हैं तो बैट्समैन में आपको किनको किनको स्किप करना है, किनको किनको नहीं करना है, आपको जैसे दो टीम बनाना है। ठीक है, ओपनिंग में आपको दो तीन टीम बनाना है, आपको ओपनिंग में आपको दोनों को ले चलना है। ठीक है, और एक टीम में आपको एगो ले चलना है और एगो स्किप करके तीसरा नंबर बैट्समैन लेना है। ठीक है, और दूसरा में क्या करना है, जो सेकंड वाले आते हैं उनको स्किप करके आपको तीसरा वाले लेना है। तो इस प्रकार से आपको लेकर चलना है, तीन टीम आपको बनाना है, तभी आप इसमें ज़्यादा चांस रहेगा आपको जीतने का। जैसे मैं हमें एक टीम बनाकर दिखाता हूँ, जयसवाल भाई बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है आपको पता होगा। ठीक है, तो इनको आपके लेक चलना पड़ेगा। ठीक है, और सुमन गिल का भी अच्छा परफॉर्मेंस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इस मैच में आपको नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, जयसवाल को इस मैच में हम लेंगे। सुमन गिल बढ़िया है, ठीक है, उसमें शामिल कर सकते हैं टीम में, लेकिन आपको तीन टीम बनाते हैं तो उसमें आपको शामिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और सूर्या भाई आपको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हर एक जो
91 प्लेस सिलेक्शन है, तो हमको आपको लगता है कि इसको स्किप कर देना भाई ना, अगर आप इनको स्किप करते हैं तो मैची बेकार हो जाएगा आपका, जो टीम तुम पूरा खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसा प्लेयर है जो कि आपको स्किप करना, इसको स्किप करना कि इसको लेना है आपको, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से समझ जाएगा। एक बार समझ जाइएगा तो आप अपने आप टीम बनाते हुए रहिएगा, ठीक है। जैसे हम दो प्लेयर को ले लिए हैं और बाकी बात बैट्समैन लेंगे, लेकिन आके ऑलराउंडर में लेते हैं, ठीक है। ऑलराउंडर में भाई हार्दिक पांड्या बेस्ट चॉइस है, लेकिन पिछला मैच परफॉर्मेंस नहीं कर पाए तो क्या हुआ, आपको लेके चलना है, ठीक है। अक्षर पटेल बाकी मैच चेंजर है, हर एक मैच में परफॉर्म करते भाई, वो सब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हसनैना को इस मैच में हम स्किप करने वाले हैं, लेकिन अक्षर पटेल का लेने वाले हैं, ठीक है। प्लान चेंज कर दिए क्योंकि इनका देखें तो सिलेक्शन रेशियो बहुत ही बढ़िया है, देखिए 81 है और अक्षर पटेल का 70 है, कुछ तो भाई मार करेगा इसमें, इसलिए हम इसमें चेंज कर दिए, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। और हार्दिक पांड्या का भी 72 है, इसमें मार कर जाएगा, इसलिए हम हसनैना को स्किप कर दिए हैं, ठीक है। ये ट्रिक आपको लगाना होता है। और बाकी हो गए, उसके बाद आते हैं आपको बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में भाई आपको किनको किनको लेना है, स्किप करना है, तो आपको यहाँ पर पथिराना को कभी भी आपको कोई भी टीम में स्किप मत करना है, क्योंकि एक ऐसा बनता है भाई कि आपको विकेट निकाल के देगा, जो कि श्रीलंका का सबसे बेस्ट बॉलर माना जाता है, और उनको 10 ओवर तक रोक के रखा गया था कि वो बेस्ट परफॉर्म करेंगे, और उन्होंने परफॉर्म किया और 4 विकेट लिए भाई। इसी प्रकार से आपको ले के चलना होगा इनको, पथिराना हो गए। बाकी आता है यहाँ पर सिलेक्शन आपको अवदीप सिंह, तो अवदीप सिंह भी बेस्ट चॉइस है आपके लिए, तो उनको ले कर चलना, ठीक है। और पिछला परफॉर्मेंस आपको दे के चलना, जैसे रियान पराग, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था बॉलिंग के तौर पर, तो जैसे वो कैप्टन क्या सोचेगा कि हाँ परफॉर्म किया तो ईपीसी में ही परफॉर्म करेगा, तो आप उनको जैसे और रियान पराग बैटिंग भी करते हैं तो उनको स्किप मत करना है, क्योंकि उनका रेशियो आप देखें पिछला जो मैच हुआ था 5.6 करके सिलेक्शन रेशियो था, और उनको हमने सिलेक्ट किया, उन्होंने परफॉर्मेंस किया, और यहाँ पर देखिए 28 सिलेक्शन है, 28 कुछ परसेंट का सिलेक्शन है। अगर किसी टीम में आप शामिल करते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं तो 100 लोगों में 72 लोग से आप आगे निकल जाइएगा, ठीक है। 28 सिलेक्शन है, ऊपर आप उठ जाइएगा, और जिससे आपका टीम बूस्ट कर जाएगा और आप लोग जीत पर और जीत का परसेंटेज आपका बढ़ ही जाएगा, तो आपको इसमें लेकर चलना है। और निशांका को आपको लेकर चलना है, ठीक है, निशांका को आपको लेकर चलना है, क्योंकि ओपनिंग करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये हो गया, उसके बाद आते हैं ऑलराउंडर पर। ऑलराउंडर में हमने इतना लेख आपको बता दिया है। बॉलिंग सेशन में आपको एक आस्तिक सिंह ले लिए हैं, मोहम्मद पथिराना हो गए, ठीक है। रवि बिश्नोई उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, इन्होंने देखिए 37 इन्होंने दिया है, ठीक है, इन्होंने 37 दिया है, और यहाँ से आप देख सकते हैं इन्होंने कितना कितना पॉइंट दिया है, यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी बात पिछले विकेट कीपर में आते हैं, विकेट कीपर प्रेरा हो गए, और यहाँ से बैट्समैन में देखिए अश्लंका हो गए, और ऑलराउंडर, ऑलराउंडर में ही आपको एक लेग बताता हूँ, ठीक है। ऑलराउंडर में ही आपको कोई भी चांस ही नहीं बन रहा है। यहाँ पर आप देखिए दुश्मन सनांका, इनका सिलेक्शन देखिए कितना बहुत कम है, 17% सिलेक्शन है। तो इस मैच में आज जो है सनांका मैच विनिंग पारी खेल सकता है, आपको ध्यान रखना है सनांका के ऊपर, क्योंकि सनांका को बहुत सारे लोग स्किप कर दिए क्योंकि ये पिछला परफॉर्मेंस मैच में नहीं दिखाए थे, लेकिन इस मैच में इनको आपको लेके चलना है, क्योंकि हम बता रहे हैं अगर आप लेके चलते हैं तो एक दो हम बताए ना, एक दो प्लेयर आपको लेके चलना है जिनका सिलेक्शन रेशियो कम है, तो हमने इनको लिया है दुश्मन सनांका को और रियान पराग, दो अगर परफॉर्मेंस कर जाते हैं तो आपका टीम कहीं से आगे निकल जाएगा, क्योंकि दुश्मन सनांका को बहुत सारे लोग स्किप करके रखे हैं, लेकिन इस मैच में आपको लेके बताया हूँ। उसी प्रकार से जितना भी मैच अगर आप टीम में खेलते हैं तो एक दो प्लेयर आपको लेके चलना होता, तभी आप लोग जीतने के चांसेस बढ़ेगा, ऐसे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करके आप यहाँ से अपना टीम दे सकते हैं, और कैप्टन और वाइस कैप्टन किस प्रकार से बनाना है वो भी बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर आप देखें तो कैप्टन में आपका बेस्ट चॉइस देखिए सब लोगों ने किसको क्यों चुना है, जयसवाल को भाई 22% लोगों ने चुना है, और ये सूर्या भाई के देखिए 15%। सबसे बेसिक कैप्टन जयसवाल को ही बनाया गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया खेलते भाई, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग
देखिए इस मैच में किनको कैप्टन बनाने वाले, वाइस कैप्टन किनको बनाने वाले हैं, तो आप लोग अंदाजा लग जाएगा किस प्रकार से। एक बार देख लीजिएगा ना बढ़िया से, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको परसेंटेज आपको जरूर देखना है कि इनको सबसे ज्यादा बनाया गया है। आपको ये नहीं करना है जो सबसे कम बनाया गया उनको बना लीजिए, ऐसा बात नहीं है। अगर आप उनको बनाते हैं तो फेल हो जाइएगा। तो यहाँ आपको जो देखना है इनका परफॉर्मेंस किन का बढ़िया चल रहा है। तो देखिए पाथिराना पिछला मैच में परफॉर्मेंस दिए थे और हर एक मैच में इनका परफॉर्मेंस रहता है। चेन्नई के खिलाफ भी खेलते हैं, चेन्नई से खेलते हैं तो उनका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहता है। तो इस मैच में पाथिराना बेस्ट चॉइस है भाई। पाथिराना के सामने बहुत सारे बैट्समैन उतना टिक नहीं पाता है, तो आपको इनको लेके चलना। पाथिराना को कैप्टन हमने बनाया है इस मैच में, ठीक है हमने बना दिया है। और हार्दिक पांड्या जो कि काफ़ी अच्छा है, उनका भी परफॉर्मेंस चल रहा है, लेकिन इस पिछला मैच नहीं दिए तो क्या होगा। और यहाँ से आपको रियान पराग आपको वाइस कैप्टन में रहने वाला है। रियान पराग वाइस कैप्टन में आपको देने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन इस मैच में हम नहीं बनाने वाले हैं। आपको लगा कि इस बना देंगे, लेकिन नहीं भाई, हर एक बार कोई परफॉर्मेंस कर जाए ये बात नहीं रहेगा। लेकिन इस मैच में जो रहने वाला है वो निशांका को बनाऊंगा हूँ, ठीक है। निशांका को अब वाइस कैप्टन बनाने वाला हूँ। निशांका बहुत ही बढ़िया खेलते हैं और यहाँ हो चुके हैं, क्योंकि इनका देखिए तो सिलेक्शन रेशियो भी बहुत ही कम था, 72 पॉइंट कुछ था, ठीक है। और यहाँ से आप इनका वाइस कैप्टन 7 पॉइंट परसेंटेज है, तो ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको टीम बनाना है और यहाँ से आपको सेफ टीम पर क्लियर कर देना है। और यहाँ से आपका टीम बन के रेडी हो चुका है। और ये देखिए हमने यहाँ से आपको टीम बना के दे दिया है, हमने दो टीम बनाया है। यहाँ से आप देखिए दोनों में निशांका को हमने प्रेफर किया है, क्योंकि खेलते बढ़िया तो आपको तारीफ करना ही पड़ेगा। तो ये रहा मेरा देखिए इस प्रकार से टीम बनाया है। इसी प्रकार से आप लोग टीम बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो से कुछ जरूर आपको सीखने को मिला होगा। और वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के बाद थैंक यू, वंदे मातरम, थैंक यू।